थ्योरम नंबर सिक्स तक कल हो गया था, चैप्टर का 12 थ्योरम है एनसीईआरटी में। थ्योरम नंबर 7 करते हैं, और थ्योरम नंबर 7 कह रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो कल वाले का ठीक उल्टा है, इस बार क्या कर दिया बताओ। कॉर्ड्स है, जब एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, दो कॉर्ड है, और वो दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है, पहले से लिखा हुआ है। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है? दूरी बराबर, और दूरी एक पॉइंट से लाइन तक का दूरी मतलब ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, ये इसमें परपेंडिकुलर दूरी ही है, ये अलग से मेंशन ही है। तो भी कह रहा मान के चलो, इस बार ये दिया हुआ है कि कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इस बार ये बराबर दिया हुआ है। तुमको बताना है कि जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो भी इक्वल होगा। सबको आ रहा है? कल पढ़े थे कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड बराबर है तो उसका लेंथ बराबर दूरी पर आएगा। आज कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड का दूरी बराबर है तो कंपलसरी है कि जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो बराबर होगा। ठीक है, कल वाले का ठीक उल्टा है, बिल्कुल उल्टे वाले को प्रूफिंग का जरूरत भी नहीं पड़ता है, बट करना पड़ेगा। तो गिवन का लिखने का स्टाइल समझाते कैसे लिखते हैं। गिवन अ सर्कल, यहां पर सी लिख के हाँ आ जाओ, ओ आर इन विच, ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, और इतना ही नहीं ये दोनों बराबर भी है। तुम्हें क्या प्रूफ करना है? तुम्हें ये प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड का लेंथ है वो भी बराबर होगा। बुला रहे हैं दोनों, इसको प्रूफिंग करने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ेगा लगता है, कि इसका रेडियस को ज्वाइन करना पड़ेगा लगता है, इतने ही का जरूरत पड़ेगा, बस इतने से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। जॉइन OA एंड OC, और एक बार खुद से बताओ इन दोनों ट्राइंगल में ये पहले से बराबर दिया हुआ है, ये रेडियस से बराबर हो गया, और ये 90 डिग्री है, तो राइट हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। OA बराबर OC रेडियस के बराबर, OM बराबर ON ये गिवन है। बढ़िया चैप्टर है, कम से कम शुरुआत में, तो बाद में थोड़ा टफ है। और एंगल OMA बराबर एंगल ONC बराबर 90 डिग्री ये भी गिवन है। इससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल OAM congruent to triangle OCN, this is from RHS criteria. CPCD से AM किसके बराबर हो जाएगा? AM जो है वो CN के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने से कर सकते हैं ना, और जैसे ही दुगना करेंगे तो AM का दुगना जो है वो AB हो जाएगा। और इसमें खुद कौन सा थ्योरम लगा हुआ है? इसमें थ्योरम नंबर 3 का इस्तेमाल होगा, CN का दुगना जो है वो CD हो जाएगा। थ्योरम 3 क्या कहता है कि सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो कॉर्ड आधा आधा हो जाता है। तो थ्योरम 3 का यूज करना है, थ्री था ना वो, थ्योरम नंबर 3 का यूज करते हुए हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी और सी डी जो है वो बराबर हो गया। तो थ्योरम नंबर 7, 7 थ्योरम ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर में, धीरे धीरे इसको बिल्डअप करने का जरूरत है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है, जो कि आपका 9th क्लास का स्पेसिफिक थ्योरम है, दिस इज थ्योरम नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लगाओ थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 से ही 9th क्लास का सर्कल स्टार्ट होता है। इससे पहले वाला जो सारा थ्योरम था वो 7th वाले को 8th वाले को भी समझाया जा सकता है, समझ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम नंबर 8 है, बुक में मार्क करो, किताब में, इसका प्रूफिंग भी आएगा स्कूल एग्जाम में। वैसे तो थ्योरम का मतलब ही होता है कि किसी का भी प्रूफिंग आ सकता है एग्जाम में, बट ऑफिशियल है आप किसी भी स्कूल में हो, प्रूफिंग थ्योरम का थ्योरम नंबर 8 का ही आएगा आपके एग्जाम में, एकदम कंफर्म है। ठीक है, थ्योरम नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है, स्पेसिफिक भी है, आपके क्लास का है। द एंगल्स ऑफ टेंडेंस, By an arc
एट द सेंटर 90% क्वेश्चन बीसी थ्योरम से बन जाएगी। इज डबल द एंगल, और मैथ याद करना बंद करो, कुछ नहीं समझेंगे लास्ट में याद करके लिख देंगे। इज डबल द एंगल सबटेंडेड, मेन थ्योरम है नाइन्थ क्लास का, सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। स्पेसिफिक थ्योरम है तो पहले मतलब समझेंगे, सीधा प्रूफिंग करना शुरू नहीं कर देंगे। खास थ्योरम है नाइन्थ क्लास का, पहले मीनिंग समझो, उसके बाद जो है इसका प्रूफिंग वगैरह भी देखेंगे। मीनिंग देखो इंग्लिश मीडियम क्या हो आप लोग, मतलब बताओ क्या कह रहा है, देखो पहले ध्यान से, प्रूफिंग प्रूफिंग बाद में करेंगे। मतलब देखो, मतलब मतलब सब क्या फिर मैं मिटा दूंगा, इसलिए पहले मतलब को देखो। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, कोई आर्क बताओ कहीं पर भी, कोई आर्क बताओ, बोलो बोलो बैठे लेकर मिलेगा। ये है एक आर्क एबी, थ्योरम का मीनिंग बताया जा रहा है। इससे पहले वाला जो थ्योरम था वो उतना आपको अलग से मीनिंग में समझने का जरूरत नहीं, तो सीधा ये अप्लाई नहीं कर सकते, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आर्क है देखो, ये सेंटर पर एक एंगल बना रहा है ना, कुछ बोलो कितना एंगल बना रहा है, कुछ भी बोलो, यहाँ पर 60 डिग्री ऐसे मान लेते। यही वाला जो आर्क है, इस आर्क को देखो, ये यहां पर भी कहीं पर एंगल बना सकता है, बोलो आ रहे समझ में। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली इसका आधा होगा, यही थ्योरम नंबर 8 का मतलब है, एक नंबर थ्योरम है। सारा क्वेश्चन आप इस मतलब आपके 90% क्वेश्चन इसी थ्योरम पर भेज दें। तो क्या मतलब हुआ, ये 60 डिग्री है, ये आर्क अगर यहां पर एंगल बनाता है ऐसे, ये आर्क यही एंगल बना है ना यहाँ पर, आर्क तो यही है, इसका वैल्यू भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का ही होगा, यही इस थ्योरम का मतलब है, ठीक है। फिर से बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ये सर्कल, ये आर्क, बोलो ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, कुछ भी बोलो, 80 डिग्री, अरे नहीं सुन रहे, यही आर्क, आर्क यही होना चाहिए। ये देखो, ये यहां पर भी एंगल बना रहा है, ये सीधा ही ये वाला जो एंगल होगा वो 40 डिग्री का होगा, यही आर्क यहां पर एंगल जो बनाएगा दैट विल बी 40 डिग्री, यही आर्क, आर्क यही होना चाहिए, ये कहीं और पर एंगल बनाएगा, दिस विल बी 40 डिग्री, ये इस तरह का मतलब तो समझ आ रहा है। और ये एट इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे, वो जो पॉइंट बना हुए ये सर्कल पर होना चाहिए, जैसे इसे हवा में लगा दोगे तब ये थ्योरम काम नहीं करेगा, वो जो दूसरा वाला एंगल है वो आर्क को सर्कल पर टच करना चाहिए, कंपलसरी है। और रिमेनिंग पार्ट का मतलब यहां पर नहीं आ सकते हो, जैसे यहां पर बनाएगा तब ये नहीं होगा 30 डिग्री, इस आर्क पे नहीं होना चाहिए, ये आर्क ये इतना है ना, मतलब अब तुम यहां नहीं आ सकते, इसमें आंसर नहीं चलेगा, इसको छोड़कर तुम कितना भी छोटा सा यहां भी कर लो, इतना छोटा सा ऐसा तो भी ये कितने डिग्री का होगा, तो भी ये 30 डिग्री का ही होगा। कुछ भी समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है ना, तो मेजर थ्योरम है, 95% क्वेश्चन इसी थ्योरम से बन जाएगा, प्रूफिंग इसी थ्योरम का आएगा एग्जाम में। नाइन्थ क्लास का स्पेसिफिक थ्योरम है जो 8th और 9th क्लास का सर्कल को अलग करता है, इससे पहले वाला थ्योरम 8th और 8th वाले को भी समझाया जा सकता, ये आपके क्लास का मेन थ्योरम है। कुछ समझ में आया, तो मीनिंग अलग से बनाने का जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन तो सब इसी पर आएगा ही, तो तब देख ही लोगे, अभी इसका प्रूफिंग देख लेते, बिठा दो इसको। तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये इस सर्कल का सेंटर, और है हमारे पास एक आर्क, ठीक है, ये दो एंगल बनाना है, कहां कहां पर, एक बनाना है सेंटर पर, डॉटेड लाइन से नहीं है एक्चुअली, मैं ये बना रहा है एक एंगल सेंटर पर और एक कहीं पर भी, कहीं पर भी मतलब यहां नहीं आ सकते आप, इस पर छोड़ा करके कहीं भी चलेगा,
इस पर नहीं आना है, इस पर नहीं आना, इसको छोड़ के कहीं भी ले लो, ग्रुपिंग वाला है तो अच्छे से कहीं अच्छे जगह पर लेंगे, यहां पर लेंगे। बोलो कंफ्यूजन है, यार्क सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और यही यार्क अलग अलग पॉइंट पर एक और एंगल बना रहा है, प्रूफ करना है कि सेंटर वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के डबल होगा। ये तो मैं तुमको समझाया थ्योरम में, प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर? तो गिवन लिखते हैं, सर्कल सी ओ आर विथ एक आर्क है, नाम है ए बी, वो दो एंगल बना रहे हैं, सबटेंड्स एओबी कहां पर, एट द सेंटर, एंड ए सी बी कहां पर, कहीं पर भी, एनीवेयर नहीं, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में ना? और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है हमें, ये जो बीच वाला एंगल है तो एक्चुअली में दुगना है एंगल ए ओ बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के, ठीक है? और देख लो मेजर थ्योरम में इसका अलग से प्रूफिंग भी आने वाला है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा स्टेप स्टेप करके करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले, अभी देखो फिर आराम से लिखना और समझना भी है, कंस्ट्रक्शन इसको करना है, इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, इसका कुछ नेमिंग कर देंगे, एक्स जॉइन ओसी एंड एक्सटेंड इट टू एक्स एज शोन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रूफिंग करने वाले थोड़ा एंगल का नेम पे मानेंगे आप लोग, यहां पर देखिए इस एंगल का नेम रखेंगे वन, यहां पर रखेंगे टू, और यहां पर रखेंगे थ्री, यहाँ पर रखेंगे फोर, यहाँ पर रखेंगे फाइव, यहाँ पर रखेंगे सिक्स, और आप लोग बताना चाहते ध्यान से, नहीं बताओगे तो फिर ये फिर एस एस टी का क्लास हो जाएगा, मैथ्स का क्लास है, बताना पड़ता है इन ट्राइंगल ए और सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, ये थ्री किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नाम से फेमस है, बट लाइन एंगल ट्राइंगल में हम लोग पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी नहीं, एक्चुअली में खुद भी थ्योरम है, बट ये फेमस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम से है। इतना समझ में आएगा ना आपको? अब थोड़ा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो OA और OC एक्चुअली में बराबर है, क्यों? रेडियस है, और जब ये दोनों बराबर है तो इसमें एक और लाइन एंगल एंड ट्राइंगल का थ्योरम लग रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है थ्योरम है, क्या कहता है, साइड बराबर है इसके नीचे वाला बेस वाला एंगल जो है वो बराबर होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो उसी ये बराबर होने के चक्कर में ये जो एंगल वन और एंगल टू जो है वो बराबर है, दिस इज फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बोलो कोई दिक्कत? देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, आपकी बारी आ गई बताने की, इक्वेशन वन बिकम्स, तो एंगल थ्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन और टू है बट दोनों जो है वो इक्वल, तो किसी एक का दुगना लिख सकते हैं, आना समझ में आ रहा है ना, इस वन के जगह पर भी टू ही अगर मैनेज कर देंगे तो दिस विल बी लाइक ट्वाइस ऑफ एंगल टू, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है? और ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया कि एक ही प्रूफिंग दो बार करने का जरूरत नहीं है, जो यहां से किया हो वो बिल्कुल उधर से करके बताओ कितना आ जाएगा, बिल्कुल वहां से करते हैं, यहां से करते एंगल फोर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सिक्स, एक ही प्रूफिंग दो बार नहीं करना पड़ता है, सेम चीज इधर से किया उधर से करते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को ए बी मान के ऐड कर देते हैं, और आप लोग बताना क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, तुम लोग बता सकते हो इसको, दोनों को ऐड किया तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा, थ्री प्लस एंगल फोर, और आरएचएस में आरएचएस ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, कॉमन आ जाएगा, चलेगा ना, थ्री और फोर को मिला के देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी थ्री और फोर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ टू और सिक्स को मिला करके एक एंगल बन रहा है, और यही प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी जो सेंटर वाला एंगल है वो एरा गेरा वाले पॉइंट के क्या आएगा, जो सेंटर वाला एंगल है वो एरा गेरा पॉइंट के हमेशा दोगुना आएगा, टॉप थ्योरम है, 90% क्वेश्चन इसी पर है, इसका खुद का प्रूफिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एट्थ और नाइन्थ क्लास के बीच का कड़ी ये थ्योरम बनता है, इसके पहले वाला सब तो बच्चा भी पढ़ सकता है, यहां से आपके क्लास का थ्योरम स्टार्ट होता है।
फिर से बताना पड़ेगा क्या क्या समझ में, प्रूफिंग समझ में आना, क्योंकि इसका प्रूफिंग भी आएगा एग्जाम में, ठीक है इसको कर दो। थोड़ा नंबर एट ही वो प्रूफिंग है जो कि आने वाला एग्जाम आ गया गाना अब सुन लो। थ्योरम नंबर नाइन, तो नाइन और टेन देखो बच्चों बातें नहीं मिस पलक, नाइन और टेन बिल्कुल इसी पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आप बनाएंगे ज्योमेट्री में वो एट नाइन टेन मिला करके ही थ्योरम बनता है। थ्योरम नंबर नाइन, थ्योरम नंबर नाइन कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बस इतना ही है ना। थ्योरम नंबर नाइन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। पहले मीनिंग देखो, ये सब नाइन्थ क्लास का थ्योरम है, पहले मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि मतलब समझा हुआ ना तो क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, प्रूफिंग तो होते रहता। इसका देखो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये एक सर्कल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आर्क ले लो कोई भी आर्क बताओ इसमें, जैसे ये आर्क है, ध्यान से देखो, फिर बाद में नहीं बताऊंगा मैं, फिर मैं मिटा दूंगा। इस आर्क से कोई भी एंगल बना लो, बताओ किधर भी चलेगा, जैसे इधर एक एंगल बनाए, ठीक है इधर एक एंगल बनाए, इसी आर्क से बनाना है, इधर एक एंगल बनाए, इसी आर्क से बनाना है, इधर भी एंगल बनाए, इसी आर्क से ये एंगल बनाना है, इधर एक एंगल बनाए, ये सारा एंगल का वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा, यही इस थ्योरम का मतलब है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बड़ा कमाल का थ्योरम है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। वैसे 8 9 10 तीनों एक के ऊपर एक डिपेंडेंट थ्योरम है, अकेला एट यूज नहीं होता, 8 9 10 मिला करके भी क्वेश्चन बनता है, मतलब समझ आ रहा है ना। आर्क का नाम इसको कौन सा, जैसे ये आर्क ये भी है, ये इस सर्कल पर सेम सेगमेंट पर, मतलब यहाँ नहीं आना है तुमको, इस पे नहीं आना है, इसको छोड़ करके कहीं भी चले जाओ जो एंगल बना रहे हो, उन सब एंगल का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, इसी को कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अरे जो क्योंकि थ्योरम है तो प्रूफ करना पड़ेगा, बट मतलब यही कहता, सेम सेगमेंट पर कोई भी एंगल बना लो वो हमेशा इक्वल आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, इसका प्रूफिंग अभी हम लोग करते हैं, इसी पे भी कर सकते हैं चाहे तो, फिर से डायग्राम बना के करते हैं। तो एंगल से द सेम सेगमेंट, इसका मतलब है कि एक सर्कल लो, सेंटर लो और एक आर्क लो, और इस पर कम से कम दो तीन एंगल तो बनाओ, तीन भी चाहो तो बना सकते, आर्क है ये दो एंगल बना रहा है ये, और ये प्रूफ करना क्या है कि ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है वो इक्वल आएगा। तो पहले गिवन वगैरह लिखते हैं, इसमें एक आर्क है ए बी, वो सबटेंड कर रहा है दो एंगल, एक ए सी बी एंड ए डी बी इन द सेम सेगमेंट। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में, सेम सेगमेंट पे बनाता है, तुमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल आ रहा है वो सेम आएगा। मीनिंग तो मैं तुमको समझाया ही हूं कि सेम आएगा, बट सेम आएगा ये प्रूफ करना पड़ जाएगा। दोनों एंगल सेम आएगा, ठीक है। अभी देखो लिखना बंद करके, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफिंग है, इसलिए 8 का प्रूफिंग आता है, 9 10 का प्रूफिंग नहीं आएगा, 8 वाले का आएगा। देखो अभी क्यों ऐसा, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखो बाद में लिखना, इसको यहां से बस ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन एंगल एओबी, बोलो ठीक है ना। अब देखो प्रूफिंग, जस्ट अभी आप एक थ्योरम नंबर 8 पढ़े हैं, थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है बताओ, बोलने पर होगा छापने पर नहीं होगा। ये आर्क है, ये सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगा ये उसका हमेशा आधा होगा, ये जस्ट ये एंगल ए सी बी जो है वो आधा होगा
एंगल ए और बी के, क्वेश्चन नंबर वन, और इसमें लगा रहे हैं हम लोग थ्योरम नंबर एट। और फिर से अगर देखोगे तो ए डी बी भी हाफ होगा क्योंकि ये भी सेंटर वाले एंगल का ही है, तो दोनों हाफ ऑफ एंगल ए और बी ही है, तो दोनों का आर एच एस सेम हो जाने के चक्कर में दोनों का एल एच एस सेम हो जाएगा, जिससे ए सी बी जो है वो ए डी बी के बराबर हो जाएगा। समझ आई बात? इसमें तुम 10 एंगल यहाँ पर बना लो, 12, 15, 17 एंगल सब सेंटर के साथ जैसे कंपेयर करोगे तो आधा 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 होता चला जाएगा और सब आपस में बराबर होते हो चला जाएगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट हमेशा बराबर ही आएगा। थ्योरम नंबर एट पर बेस्ड थ्योरम नंबर 9 है, इसलिए स्कूल में जब टीचर पूछता भी है तो वो इसका नहीं पूछ करके एट का पूछेगा, क्योंकि एट ही पर ये बिल्ड है, ये वाला भी इसका अगला वाला जो करेंगे वो भी इसी पर बिल्ड है। तो थ्योरम नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सब, ठीक है, लिखो। और ये हमेशा के लिए ही हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम नंबर 10 भी जो है वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। थ्योरम नंबर 10 बिल्कुल इसी पर बेस्ड थ्योरम है। पहले मतलब पहले लिख लेते हैं, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 degree, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब फिर प्रूफिंग। सेमी सर्कल कोई भी सेमी सर्कल बना लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कल चैप्टर में ऐसा ऐसा प्रूफिंग है जो कि अगर आपको बताने जाए तो तुम मानोगे नहीं, मतलब सिंपल अंडरस्टूड फैक्ट नहीं आया। ये क्या करा, ये सेमी सर्कल बना लिए, अब तुम इसको कहीं पर भी एंगल बना लो, जहां पर भी, जैसे ये एंगल बना, ये एंगल कंफर्म 90 degree ही आएगा। समझ में आ रहा है? तुमको लगेगा चलो इधर तो 90 ऐसे टीचर देख के बनाए, कहीं और बनाते हैं, यहाँ पर भी बनाओगे तो भी एंगल जो है वो 90 degree ही आएगा, और यहाँ पर भी बनाओगे तो भी ये जो एंगल जाएगा वो 90 degree का ही बनेगा। इसी को कहते हैं एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 degree। सेमी सर्कल पे कहीं भी एंगल बना लो हमेशा 90 degree आएगा। ऊपर मतलब नीचे वाला सेमी सर्कल को कंसिडर करते हो तो इधर से सेमी सर्कल पर बनाना है, एंगल इज ऑलवेज बी 90 degree। बोला रहे समझ में? तो यही अभी हमें प्रूफ करने का जरूरत पड़ेगा कि सेमी सर्कल पर कहीं भी एंगल बना लो वो 90 degree का ही बनेगा। और ये फिर थ्योरम 8 पर बेस्ड है, तो अब इसको ये समझ के मिटा दूं, ये समझने वाला ध्यान लगाना, प्रूफिंग प्रूफिंग तो होते रहता है, ठीक है। एंगल इज सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 degree। कुछ ऐसी बात है कि एक सेमी सर्कल है, पहले ये सर्कल है फिर एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल तुम कहीं पर भी एंगल बना लो, डॉटेड लाइन से नहीं है, ये है एक्चुअली में सेमी सर्कल पर एंगल बनाए ना, तुमको जिधर मर्जी उधर बना लिया, एंगल हमेशा कितना डिग्री आएगा 90 ही आएगा, ये प्रूफ करना पड़ जाएगा। गिवन क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे एक सर्कल इन विच एक डायमीटर दिया हुआ है, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक। प्रूफ क्या करना है? उस डायमीटर पर तुम कहीं भी एंगल बना लो वो 90 degree का होगा। अभी देखो, अभी लिखना बंद करके इसका प्रूफिंग, अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि थ्योरम नंबर 8 ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जो भी हो रहा है चैप्टर में अब वो सब थ्योरम 8 पर ही होगा। अब ध्यान से देखना इस आर्क को, देखो ये वाला आर्क, इस आर्क को, ये वाला आर्क है ना, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है। तो अभी थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है कि ये आर्क सेंटर पर, ये आर्क है, आर्क का नाम ये हुआ, ये सेंटर पर कितना डिग्री बना है। तो थ्योरम नंबर 8 के हिसाब से ये कहीं पर भी और एंगल बना ले तो वो हमेशा इसका हाफ ही होगा। थ्योरम नंबर 8 तो ये तुम इधर बनाओ, इधर 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 कहीं पर भी बना लो, वो एंगल हमेशा 90 degree का ही बनेगा।
ना सीधा एप्लीकेशन है थ्योरम नंबर 8 का। यहाँ पर सीधा हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी बी जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, और इसमें सीधा सीधी वी आर यूजिंग थ्योरम नंबर 8। इसलिए थ्योरम नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ए ओ बी क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि डायमीटर है, ये खुद ही 180 डिग्री का होता और ये ए सी बी हमेशा ही 90 डिग्री का होता। तुम ये इधर बनाओ, ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का ही बनेगा। और अगर आप ये वाला ले लो तो इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर 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 कहीं पर बनाओ, एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये सबका प्रूफिंग वन लाइनर है। इससे आप लोग मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे कि 8, 9, 10 सीधा सीधी थ्योरम 8 पर बेस्ड है। जब प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में पूछा ही जाएगा तो थ्योरम नंबर 8 का ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 9 और 10 तो डायरेक्ट उस पर बेस्ड थ्योरम। ठीक है,